बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है प्लेरीमीटर। प्लेरीमीटर का जो हमारे पास टास्क होता है उससे हम किसी भी सॉल्यूशन की जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड कर सकते हैं कि वो लाइट के प्लेन को कितनी एबिलिटी रखता है चेंज करने में। या हम स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन हमें पता है, स्टैंडर्डाइज होती है, उसे हम डिफरेंट सॉल्यूशन की जो कि हमारे पास कंसंट्रेशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसके हमारे पास काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, मेडिकल फील्ड में ज़्यादा यूज़ होते हैं इसके। इसमें ये हमारे पास ये जो इसके प्लेरीमीटर के पार्ट्स है, इसमें सबसे पहले ये हमारे पास लाइट सोर्स है, फिर ये कलेक्टर लेंस है। कलेक्टर लेंस के आगे एक अंदर कलर फिल्टर लगा हुआ है जो कि क्या करता है, सिर्फ सोडियम लाइट को अंदर पास होने देता है। देन इसमें लगा हुआ है पोलराइजर। पोलराइजर के बाद हाफ वेव प्लेट लगी होती है जिससे हमारे पास व्यू बनते हैं, फुल ब्राइट, सेंटर ब्राइट और सेंटर डार्क और फुल डार्क। इस जगह पर हम ट्यूब रखते हैं। देन यहाँ पर पोलराइजेशन एनालाइजर लगा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट लेंस है। ऑब्जेक्ट लेंस के बाद ये हमारे पास यहाँ पर आई लेंस है। आई लेंस में हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये दो, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है और ये डायल वर्नियर है। और ये हमारे पास जो रोटेटरी हैंड हमारे पास जिसे हमने रोटेट करना है, और ये जो है ये हमारे पास प्रोटेक्टिव प्लेट है। ये तो हमारे पास इसके हो गए सारे पार्ट्स। इसमें हमारे पास जो पहला टास्क है वो है हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन में हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है जो कि हमारे पास है 10% का। अब इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि हमारे पास जो व्यू आते हैं वो चार आते हैं। एक तो आता है सेंटर ब्राइट, सेंटर ब्राइट के बाद हमारे पास आता है सेंटर डार्क, फिर फुल ब्राइट और फुल ब्राइट और एक सेंटर फुल डार्क भी आता है। हमने जो अपना रेफरेंस व्यू लेना है हमने वो फुल डार्क लेना है। इसमें हमने इनिशियली इसमें कुछ नहीं रखा और हमने इसको इस तरह सेट करना है कि हमारे पास फुल डार्क जो है वो आ जाए। जैसा कि इस पॉइंट पर हमारे पास फुल डार्क आ गया है, फुल डार्क यहाँ पर हमारे पास जो रीडिंग आ रही है उसको हमने कहना है थीटा नॉट। इसमें हमारे पास जो पहला टास्क है वो हमारे पास है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। उससे पहले हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। ये जो हमारे पास रोटेट कर रहा है स्केल, ये मेन स्केल है। इसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट वेरियन 1 डिग्री की है और जो हमारे पास स्टेटिक स्केल है वो हमारे पास 1 ईयर स्केल है, जिसमें वो हमारे पास वेरियंस टोटल वेरियंस उसकी 20 है। तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या हुआ, 1/20.05 डिग्री। अब उसमें हमारे पास जो हमने फर्स्ट टास्क के लिए हमने यूज़ करनी है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन जो हमारा टास्क है, उसके लिए जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो हम ले रहे हैं 10%। 10% हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं। इसमें हमने ट्यूब की लेंथ यूज़ करनी है जो कि हमने लेनी है इस तरह। ये देखें, ये हमारे पास है 20, जिसको हमने अगर हम डेसीमीटर में करते हैं तो वो आ जाएगी हमारे पास 2 डेसीमीटर। ये हमारे पास ट्यूब की लेंथ क्या है, 2 डेसीमीटर। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना रेफरेंस व्यू सेट करना है जो कि हमने लेना है सेंटर डार्क और सेंटर ब्राइट के एग्जैक्ट दरमियान में आएगा बहुत थोड़ी देर के लिए फुल डार्क। उसको हमने सेट करना है इस तरह। इस जगह पर हमारे पास वो व्यू है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेन स्केल की वैल्यू है वो भी 0 है और 1 ईयर की भी ही क्या है, 0 है। तो थीटा नोट जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। अब हमने क्या करना है, 10% का सोल्यूशन रखना है। 10% का सोल्यूशन जो ट्यूब में हमने रखना है उससे पहले हमने ये चेक करना है कि हमारे पास एक डिस्टल वाटर की ट्यूब है। डिस्टल वाटर की ट्यूब रखने से आया हमारे व्यू पर कोई फ़र्क पड़ता है, तो वो हमारे पास हमारे व्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी हमारे पास जो डिस्टल वाटर है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो देन हम 10% सॉल्यूशन को देखते हैं। अब ये जो ट्यूब हमने रखनी है ये इस तरह रखनी है कि अगर इस ट्यूब में बबल है तो ये इस तरह आए, और ये हमने इस एंगल पर इस तरह रखनी है कि ये जो बल्ब सा बना हुआ है ये ऊपर वाली साइड पर। ये हमने इस तरह रख दिया, यूँ। अब हमने अगेन अपना रेफरेंस व्यू देखना है जो कि चेंज हो चुका होगा, जो कि हमारे पास
इसमें हमारे पास एक है कि अगर आपको इमेज ब्लर नज़र आ रहा है तो आपने यहाँ से रोटेट करके, जो कि नॉर्मली सोल्यूशन रखने पर ज़्यादा ब्लर होता है, तो आपने इसको यहाँ से फोकस कर लेना है कि आपको क्लियर नज़र आए। अब हमने दोबारा से रेफरेंस व्यू सेट करना है, वही वाला जो कि चेंज हुआ है हमारा। हाँ जी, इस जगह पर हमारे पास दोबारा हमारा वही फुल डार्क व्यू आ गया है, तो हम अपनी रीडिंग देख सकते हैं, जो कि हमारे पास मेन स्केल की जो है वो है हमारे पास 13, और दूसरी हमारे पास है 6 के राउंड अबाउट है, 13 + 6.05 डिग्री, ये हमारे पास आती है 13.3 डिग्री। तो हमारे पास जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी वो होगी θ1 - θ0, थीटा नॉट जो कि हमारे पास 0 है, तो ये भी ऑप्टिकल रोटेशन भी हमारे पास इस सोल्यूशन की हो जाएगी डी 13.3 डिग्री। अब अगर हमने उससे स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करनी है शुगर सोल्यूशन की, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है थीटा ओवर एल सी। एल जो हमारे पास है ट्यूब की लेंथ है, सी हमारे पास कंसनट्रेशन है, और देन हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने कंसनट्रेशन किस में ली है, परसेंटेज में। तो ये हमारे पास आएगी 13.3 डिग्री को अगर हम उससे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू में आएगी 66.5 डिग्री, जो कि एक्चुअल वैल्यू जो है इसकी 63.5 डिग्री ±1.3 डिग्री की वेरिएशन है। जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये हमारे पास डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और वेवलेंथ पर। टेम्परेचर जो है वो हमारे पास इस टाइम 25 डिग्री है, अब इसमें हमारे पास जो सेकेंड टास्क है अननोन कंसंट्रेशन फाइंड करने का, वो भी एज इट्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने स्पेसिफिक रोटेशन फाउंड करने के लिए हमने पहले ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड आउट की थी। अब चूंकि हमारे पास शुगर सोल्यूशन ही है, तो शुगर सोल्यूशन की हमारे पास जो स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 66.5 डिग्री आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन की ट्यूब है उसको निकाल के हम उसी पे अपना वही वाला व्यू दोबारा लेंगे। इसमें जो हमारे पास इसमें हम ट्यूब रखेंगे अननोन कंसंट्रेशन की, अननोन कंसंट्रेशन की ट्यूब रखने से पहले हमने अगेन रेफरेंस व्यू अपना सेट किया 0 डिग्री, वो 0 डिग्री ही रहता है, जो हमारे पास एक एक दफ़ा आ जाता है वो वही चेंज नहीं होता। तो हमने जब उसको चेंज करके ट्यूब अननोन कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाली, तो वो हमारे पास आती है 20 डिग्री मेन स्केल की, और 5 हमारे पास आती है दूसरी वर्नियर स्केल की, तो ये हमारे पास आती है 20.25 डिग्री। तो इसकी ऑप्टिकल रोटेशन हमारे पास वही आएगी 20.25 डिग्री। अल्फा की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है 66.5 डिग्री, वही वाली हमने यूज़ करनी है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कंसंट्रेशन जो आएगी वो हमारे पास आ रही है 15.22%। इससे हम ये जाहिर कर सकते हैं कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो राउंड अबाउट 15% थी, जो कि एक्चुअल हमने डाली थी वो 15% थी, तो 0.22 की वेरिएशन हमारे पास आई हैं। ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट फ्लैरीमीटर, जिसमें हमने फाइंड आउट की थी ऑप्टिकल रोटेशन गिवन सॉल्यूशन की, स्पेसिफिक रोटेशन की थी और अननोन कंसंट्रेशन की थी।